क़दीम ज़माने में लोगों का ख्याल था कि जमीन के गर्द सूरज चांद सितारे गर्दश करते हैं साइंसदानों ने यह तहकीक की सूरज निज़ाम शमसी का मरकज है और दूसरे सारे जमीन मरीख वगैरह इसके गर्द गर्दश करते हैं सत्तरवीं सदी में न्यूटन ने यह नजरिया पेश किया कि कायन में हर दो इतम के दरमियान कशिश की कुत मौजूद होती है जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कहलाती है इस कुत की वजह से निजामी शमसी में सारे सूरज के गिरद घूमते हैं अजीज तलबा हमारा आज का प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तम है पहले हिस्से में हम तजाज़ यानी ग्रेविटेशन या तजाजी कुत यानी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के मौजू पर बहस करेंगे दूसरे हिस्से में हम मुख्तलिफ इत्साम की दायरे में हरकत यानी सर्कुलर मोशन के मुतालिक बुनियादी बातों पर बहस करेंगे आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स से क्या मुराद है आपने न्यूटन के कवानीन हरकत का प्रोग्राम देखा होगा न्यूटन के पहले कानून हरकत के मुताबिक हर मुतहरक जिसम उस वक़त तक ख़त मस्तकम में हरकत करता रहता है जब तक उस पर कोई बैरूनीत अमल ना करे निज़ामी शमसी के तमाम सारे सूरज के गिरद बैज़वी मदारों यानी एकप्टिकल ऑर्बिट्स पर गर्द करते हैं जिसका मतलब ये है कि सितारे गर्दिश के दौरान हर वक़्त अपनी हरकत की समत तब्दील करते हैं इससे ज़ाहिर होता है कि इनमें से हर एक पर कोई कुत अमल करती है जो इन्हें सूरज के गिर्द मदारों में गर्दिश करने पर मजबूर करती है इस कुत को समझने के लिए आइए एक मिसाल देखते हैं अगर किसी भारी जिसम मसलन लकड़ी के किसी टुकड़े को एक रस्सी की मदद से जोड़ के घुमाया जाए तो ये दायरे में हरकत करना शुरू कर देता है रस्सी से लगाई जाने वाली इस कुत की वजह से ये लकड़ी का टुकड़ा दायरे में हरकत करता है अगर किसी वजह से ये कुत बंद कर दी जाए या फिर रस्सी टूट जाए तो लकड़ी का ये टुकड़ा अपने गोल रास्ते के साथ मुमास बनाता हुआ यानी टेंजन बनाता हुआ सीधा निकल जाता है यानी रस्सी के ज़रिए लगने वाली कुत ही लकड़ी के टुकड़े को गोल रास्ते पर गर्दिश करने पर मजबूर करती है ये कुत दायरे के मरकज़ की तरफ होती है जो लकड़ी के टुकड़े की हरकत की सिमत में मुसलसल तब्दीली करती रहती है और इस तरह लकड़ी का ये टुकड़ा दायरे में हरकत करता है निज़ाम शमसी के सारों की सूरज के गिरद अपने अपने मददारों में हरकत भी एक ऐसी ही कुत की वजह से होती है मसलन ज़मीन और सूरज के दरमियान ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बास रूनमा होती है और इसी वजह से इसे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का नाम दिया जाता है ज़मीन और सूरज के दरमियान मौजूद ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का असल मकसद ये है कि वो ज़मीन की हरकत की सिमत मुसलसल तब्दील करती रहे ताकि ज़मीन अपने मुकर्र मदार यानी ऑर्बिट में मुसलसल हरकत करती रहे इसी तरह निज़ाम शमसी में मौजूद दूसरे स्यारे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से अपने मदारों में हरकत करते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ उन्हीं सारों में मौजूद नहीं होती जो अपने मदारों में हरकत करते हैं बल्कि ये कायनात के हर दो जिस्मों के दरमियान मौजूद होती है इसकी वजह से इस लॉ को न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया गया है मिसाल के तौर पे दो पत्थर जिन्हें ज़मीन अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचती है ये दोनों पत्थर भी आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं ये येहदा बात है कि इन दोनों के दरमियान मौजूद ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होती है आइए अब हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ़ करते हैं न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक कायनात में कोई दो इतसाम एक दूसरे को एक ऐसी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के साथ अपनी तरफ खींचते हैं जो मदार में इन दोनों इतसाम की कमियतों यानी मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके मरकज़ों के दरमिया फ़ासले के स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हिसाबी शक्ल में भी बयान किया जा सकता है इसके लिए हम दो करवी इत्साम लेते हैं जिसका मास m1 और m2 है इन दोनों मासेस के मरक़ के दरमियान का फासला d से ज़ाहिर किया गया है ये दोनों मासस एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लगाते हैं जो कि आपस में बराबर होती है वो फोर्स जो मास M1 एम टू पर लगाएगा उसको एफ़ से जाहिर किया गया है जबकि वो फोर्स जो मास एम टू एम वन पर लगाएगा उसको माइनस एफ़ से जाहिर किया गया है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के पहले हिस्से के मुताबिक ये फोर्स एफ प्रोपोर्शनल है एम वन एम टू के यानी एफ़ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू और एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर डी स्क्वायर यानी एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू ओवर डी स्क्वायर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको कैपिटल जी से ज़ाहिर किया गया है यानी एफ इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर डी स्क्वायर जी प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दिया गया है अजीज़ तलबा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत मालूम करने के लिए बहुत से तरीके हैं लेकिन एक हेनरी कैंडिश का टॉर्सन बैलेंस का तरीका बहुत मशहूर है तजर्बात की मदद से ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट की जो कीमत मालूम की गई है वो कुछ यूँ है G इज़ एक टू 6.67 पॉइंट 10 टू द पावर माइनस एलेवन न्यूट्रन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर अगर 10 टू दावर माइनस 11 को अशारी निज़ाम में लिखा जाए तो ये कुछ यूँ होगी जी इज़ एक टू 0.0000000667 000 000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत कितनी कम है इसी वजह से हम अपने इर्द गिर्द मौजूद छोटे छोटे जिस्मों के दरमियान ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को महसूस नहीं कर सकते लेकिन जब भारी इतम जैसे सूरज चाँद और सितारों के दरमियान ग्रेविटेशनल फ़ोर्स निकालते हुए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत अहमियत अख्तियार कर जाती है कि उसकी ये वैल्यू जी इज़ इक्वल टू 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस एवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हर जगह मुस्तकिल रहती है अजीज़ तलबा आइए अब देखते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू की मदद से ज़मीन का मास किस तरीके से निकाला जा सकता है ये ज़मीन का एक ग्लोब है और ये लकड़ी का एक टुकड़ा है आइए अब इसको चार्ट की मदद से समझते हैं जमीन के मास को एम ई से जाहिर किया गया है जबकि लकड़ी के टुकड़े के मास को एम से जाहिर किया गया है इन दोनों के दरमियानी फासला ज़मीन के नस्फ़ कुतर के बराबर होगा जिसे आर से जाहिर किया गया है न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ज़मीन और लकड़ी के टुकड़े के दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको यूँ लिखा जा सकता है कि F इज़ इक्वल टू G M E M ओवर R स्क्वायर यानी ज़मीन लकड़ी के टुकड़े को अपने मरक़ की तरफ खींचता है यानी ये उसका वेट है यानी कि हम इस फोर्स को उसके वेट के बराबर लिख सकते हैं न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक W की क्या कीमत है W इज़ इक्वल टू एम जी जहाँ पे m लकड़ी के टुकड़े का मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अगर यहाँ पर W की कीमत लिख दी जाए तो दोनों तरफ m और m कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आएगी कि एम ई इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी जहां पर एम ई अर्थ का मास है कीमतें डालने के बाद मास ऑफ दी अर्थ जो निकलता है वो ये है कि एम ई इज़ इक्वल टू सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम आइए अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बुलंदी से क्या ताल्लुक़ है आइए एक बार फिर इस इक्वेशन को देखते हैं कि एम ई इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी इस इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता है कि जी इज़ इक्वल टू एम ई कैपिटल जी ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे एम ई और जी कांस्टेंट है जिनकी कीमतें हम आपको बता चुके हैं यानी जी इस प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जी की कीमत फ़ासले के लिहाज से तब्दील होती है यानी कि जी की कीमत किसी पहाड़ की चोटी पर किसी मैदानी इलाके की नस्बता कम होगी अज़ीज़ तलबा आइए अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं इस हिस्से में हम मुख्तलिफ इत्साम के दायरे में हरकत और उन पर असर अंदाज होने वाली क़तों के बारे में गुफ्तू करेंगे दायरे में हरकत की मुख्तलिफ मिसालें हमें अपनी रोज़मर की ज़िंदगी से मिलती हैं जिस तरीके से अगर किसी भारी चीज़ को जैसी लकड़ी के टुकड़े को रस्सी की मदद से बांध घुमाया जाए तो ये दायरे में हरकत करता है इसी तरह से एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन भी दायरे की सूरत में हरकत करते हैं ये सब हरकत दायरे में हरकत को वाजे करते हैं आइए अब एक मिसाल देखते हैं यहाँ पर एक जिसम य स्पीड के साथ दायरे की सूरत में हरकत कर रहा है चूंकि दायरे के हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है इसलिए इस जिसम की वेलोसिटी तब्दील हो रही है न्यूटन के पहले कानून हरकत के मुताबिक हर मुतहरक जिसम उस वक्त तक ख़त मस्तकीम में हरकत करता रहेगा जब तक उस पर कोई बैरूनीत अमल ना करे ये जिसम दायरे की सूरत में हरकत कर रहा है जिसका मतलब ये है कि इस पर एक कुवत अमल कर रही है जो इसको दायरे की सूरत में हरकत पर मजबूर करती है ये कुवत जो इस जिसम को दायरे की सूरत में हरकत करने पर मजबूर करती है इसको सेंट्रीपटल फोर्स कहते हैं और ये फोर्स मरकज़ की तरफ माइल होती है सेंट्रीपटल फ़ोर्स की हम कुछ यूँ तारीफ़ कर सकते हैं मरकज़ माइल क़त यानी सेंट्रिपेटल फोर्स एक ऐसी कुत है जो किसी जिसम को दायरे पर हरकत करने पर मजबूर करती है और इसकी सत हमेशा दायरे के मरकज़ की तरफ होती है हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी से मरकज़ माइल क़त की एक और मिसाल किसी गोल रास्ते पर या मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार की हरकत है आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल सवार मोड़ पर अंदर की तरफ झुक जाते हैं जो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि मोड़ पर हरकत करते हुए मतलूबा मरकज माइल कुवत हासिल की जाए ताकि मोटरसाइकिल सीधा निकलने के बजाय दायरे में हरकत करता रहे मोड़ पर मोटरसाइकिल की रफ़्तार जितनी ज़्यादा होगी मोटरसाइकिल सवार को मतलूबा मरकज माइल कुत हासिल करने के लिए इतना ही ज़्यादा झुकना पड़ता है आप इस मोटर कार को सड़क के इस मोड़ पर दायरे में हरकत करता हुआ देख रहे हैं इस कार की दायरे में हरकत की वजह मरकज़ माइल कुत है जो सड़क के रद्द अमल के नतीजे में मुहैया हो रही है आप अगर सड़क की साख्त का बखौर जायजा लें तो आप देखेंगे कि इस मोड़ पर सड़क का बैरूनी किनारा अंदरूनी किनारे के नस्बत कुछ ऊंचा बनाया गया है ये सिर्फ़ इसलिए किया जाता है ताकि मोटर कार का मोड़ पर दायरे में हरकत करते हुए मुनासिब मकदार में मरकज माइल क़त मुहैया हो जाए अगर कार को मुनासिब मकदार में मरकज माइल क़त मुहैया ना हो जिसकी कई एक वजूहत हो सकती हैं मसलन सड़क हमवार है कार के टायर घिसे हुए हैं या सड़क गीली है या फिर कार की रफ्तार ज़्यादा हो तो कार दायरे में हरकत करने के बजाय इनर्शिया की वजह से फिसलते हुए सीधी निकल जाती है अज़ीज़ तलबा जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के मुताबिक किसी भी कुत के अमल के अमल में एक और कुत अमल में आती है जो कि पहली क़त के मुखालिफ होती है आप जानते हैं कि किसी भी जिस्म को दायरे में हरकत देने के लिए एक कुत की ज़रूरत होती है जो कि हम इस पर रस्सी की मदद से लगाते हैं ये कुत इस जिस्म को अंदर की तरफ खींचती है इस कुत के अमल में ये जिसम हमारे हाथ पर एक बैरूनी कुत लगाता है इस बैरूनी कुत को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं अजीज तलबा अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को एक रस्सी से बांध कर घुमाएँ तो ये दायरे में हरकत करना शुरू कर देता है इस लकड़ी के टुकड़े को दायरे में हरकत करने के लिए हम अपने हाथ से इस पर एक कुत लगाते हैं जिसकी समत अंदर की तरफ होती है इस कुत के अमल में ये लकड़ी का टुकड़ा हमारे हाथ पर एक कुत लगाता है जिसकी सिमत बैरूनी होती है और इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं सेंट्री फ्यूगल फोर्स की तारीफ कुछ यूँ की जा सकती है सेंट्री फ्यूगल फोर्स सेंट्री फोर्स के अमल के नतीजे में पैदा होती है ये मकदार में सेंट्री पेटल फोर्स के बराबर लेकिन सिंट में इसके मुखालिफ होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक और मिसाल हम एक लकड़ी के टुकड़े को रबर बैंड से बांध कर भी दे सकते हैं अगर इस रबर बैंड को घुमाया जाए तो ये लकड़ी का टुकड़ा दायरे में हरकत करना शुरू कर देता है और ये रबर बैंड की लंबाई बढ़ती चली जाती है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है जो कि बैरूनी सिमत में अमल करती है अजीज़ तलबा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक और बात याद रखनी ज़रूरी है कि ये एक रद्द की कुत है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के, के रिएक्शन में पैदा होती है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म कर दी जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खुद ब खुद गायब हो जाएगी आइए अब चंद मिसालों की मदद से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बच्चा इस छोटी बाल्टी में पानी भर रहा है और इसे हाथों में पकड़कर तेजी से बाजू के गिर्द घुमा रहा है लेकिन आप देखेंगे कि पानी बाल्टी से बाहर नहीं निकलता और ना ही वो उस वक़्त तक नीचे गिरता है जब बाल्टी ऊपर पहुंचती है हालांकि इस मुकाम पर बाल्टी बिल्कुल उल्टी हो जाती है बाल्टी को इस तरह घुमाते हुए पानी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जिसकी वजह से पानी बाल्टी से बाहर नहीं निकलता अब यह बच्चा बाल्टी को ऊपर ले जाकर घुमाना अचानक बंद कर देता है तो इसके नतीजे में सारा पानी नीचे गिर जाता है इसकी वजह यह है कि हाथ ने बाल्टी पर मरकज माइल कुत लगाना बंद कर दी है जिसके सबब इसका रद्दमल यानी मरकज गुरेज कुत जो पानी पर लग रही थी वो भी ख़त्म हो जाती है और इस तरह पानी नीचे गिर जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल के तहत कई एक मशीनें हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हैं इनमें से एक मशीन जो हमारे घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होती है वो बिजली से चलने वाली ऐसी वॉशिंग मशीन है जो कपड़े भी निचोड़ सकती है इस तरह की मशीन में कपड़े निचोड़ने का अमल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत होता है अगर आप इस मशीन का मुशायदा करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ड्रम में छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जब ये ड्रम तेज़ी के साथ घूमता है तो कपड़े के अंदर मौजूद पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस ड्रम के मरक़ के बाहर यानी ड्रम की दीवारों में मौजूद सुराखों से होता हुआ बाहर निकल जाता है और इस तरह कपड़े अच्छी तरह नुचड़ जाते हैं कपड़े नचोड़ने के बाद जब ये मशीन बंद की जाती है आप मुशाहिदा करेंगे कि कपड़े ड्रम के दरमियान नहीं हैं बल्कि ड्रम की दीवारों के साथ चिपके हुए हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सबक कपड़े ड्रम के मरकज़ से दूर होते जाते हैं और ड्रम की दीवारों के साथ चिपक जाते हैं अजीज तलबा उम्मीद है कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अच्छी तरह जान चुके होंगे आइए आज के प्रोग्राम के अहम नुक़ात को एक बार फिर दोहराते हैं न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ ये है कायनात में किसी दो इकसाम एक दूसरे को ऐसी कुत के साथ अपनी तरफ खींचते हैं जो मकदार में इन दो इकसाम की कमियतों यानी मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके मरकज़ों के दरमिया फ़ासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हिसाबी शक्ल में यूं लिखा जा सकता है कि एफ़ इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर डी स्क्वायर, जहां जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी कीमत जी इज़ इक्वल टू 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर है सेंट्रीपेटल फोर्स की तारीफ यूं की जा सकती है कि सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसी कुवत है जो किसी जिस्म को दायरे पर हरकत करने पर मजबूर करती है और इसकी समत हमेशा दायरे के मरक़ की तरफ होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तारीफ़ हम कुछ यूं कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के रद्दमल के नतीजे में पैदा होती है ये मकदार में सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर लेकिन सिमत में इसके मुखालफ होती है अजीज़ तलबा हमारा आज का प्रोग्राम ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में था अब इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़